बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू द साइंस क्लास 7। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वर्क बुक ऑफ साइंस। तो आज जो हम वर्क बुक के कुछ पेजेस जो है उसकी रिवीजन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ओपिनियन बुक पेज नंबर 36 ऑफ वर्क बुक। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम वर्कबुक के पेजेस जो है उसकी रिवाइज उसकी रिवीजन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल केमिकल रिएक्शंस जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज किया था और याद किया था। तो आज हम उसका जो है वर्कबुक के उसके पेजेस पढ़ेंगे। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ट्रू और फॉल्स स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स है हम देखेंगे, इसे पढ़ेंगे कि इनमें से कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। नंबर वन, 20% ऑफ द एयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है वो 20% है? यस जो हमारे नाइट्रोजन है वो 70% हमारी जो है वो एयर में है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो है वो 20% हमारे एयर में है गैस। तो ये जो है हमारी स्टेटमेंट ये है ट्रू। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू। आते हैं नंबर सेकंड की तरफ। कुकिंग फूड इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हॉट फूड कैन बर्न योर माउथ। तो ये जो एग्जाम्पल है वो हमारे एक्सोथर्मिक का नहीं है। दिस इज द फॉल्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स। नंबर थर्ड, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट गिव्स आउट हीट एनर्जी। तो ये भी हमारा फॉल्स है। फॉल्स। नंबर फोर्थ, ऑक्सीजन इज रिलीज व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड टू मेक अ लाइम। तो लाइमस्टोन जो है वो हीट होके मेक लाइम, लाइम बनाती है ऑक्सीजन जब रिलीज होती है। दिस इज अ ट्रू। द नेक्स्ट वन इज A synthesis reaction is when two different substances combine to make a single substances. कौन से टू डिफरेंट जो है substances वो combine होके क्या बनाते हैं? Single substances. A synthesis reaction. तो ये क्या है हमारा? ये हमारा true. दी नेक्स्ट आते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। चूज करेक्ट ऑप्शन। इनमें से हम करेक्ट ऑप्शंस को टिक लगाएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन आयरन एंड सल्फर आर हीटेड टुगेदर। इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जब आयरन और सल्फर जो है वो हीट टुगेदर करेंगे? तो आयरन एंड सल्फर, सल्फर हम सल्फाइड भी कह सकते हैं, आयरन एंड सल्फर। तो देखते हैं आयरन एंड सल्फाइड है इसमें। नंबर ए इज आयरन ऑक्साइड, नंबर बी इज आयरन सल्फेट, नंबर सी इज आयरन सल्फाइड। यस यहाँ पे है आयरन सल्फाइड। नंबर डी इज आयरन सल्फाइड, सल्फाइड नॉट सल्फाइड। तो हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा है? नंबर सी को हम टिक लगाएंगे। द नेक्स्ट वन इज अ कम्बशन इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। जो ह्यूमन बॉडी में कम्बशन है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेस्पायरेशन। नंबर ए इज अ इंस्पायरेशन, नंबर बी इज अ एक्सपायरेशन, नंबर सी इज अ रेस्पायरेशन एंड नंबर डी इज अ रिस्टोरेशन। तो नंबर सी इज अ करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट नीड्स टू टेक एन एनर्जी टू कीप गोइंग। तो केमिकल जो रिएक्शन है उस कौन सा है टू नीड टू टेक एन एनर्जी कीप गोइंग? नंबर फर्स्ट इज अ एंडोथर्मिक, नंबर सेकेंड इज अ एक्सोथर्मिक, नंबर थर्ड इज अ एंडोथर्मिक एंड नंबर डी इज अ ऑक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट है? नंबर ए, यस एंडोथर्मिक। नेक्स्ट, द केमिकल्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में तो उसे हम क्या कहते हैं? यस उसे हम कहते हैं, हमने पढ़ा था क्वेश्चन आंसर्स में, रिएक्टेंट्स। नंबर डी रिएक्टेंट्स। व्हाट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड ड्यूरिंग अ थर्मल डिकम्पोजिशन।
थर्मल डिकम्पोजिशन हम किसे कहते हैं? हीट को. तो इनमें ऑप्शन है हीट है, यस. नंबर फर्स्ट इज अ हीट. द करेक्ट ऑप्शन इज अ हीट. तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. पेज नंबर 37. 37 में क्या है? यूज दीज वर्ड्स टू फिल द गैप्स इन द सेंटेंस. यहाँ पे कुछ सेंटेंस मिले हुए हैं और यहाँ पे कुछ वर्ड्स है. ये वर्ड्स हम इनको रीड करके सेंटेंसेस में, ये वर्ड्स हम इन पे इनमें लिखेंगे जो गैप मिली हुई है हमें. नंबर फर्स्ट है, अ डैश ऑफ आयरन एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड विद अ मैग्नेट. तो हम आयरन एंड सल्फर को क्या करेंगे कि वो सेपरेट हो जाएंगे मैग्नेट विद अ मैग्नेट. तो ये हमारा मिक्सचर, यहाँ पे मिक्सचर है, यस. मिक्सचर. नंबर सेकंड है, अ केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन. तो ये है हमारा एलिमेंट. नंबर सेकंड इज अ एलिमेंट. नंबर थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ डैश बिकॉज इट हैज टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन इट दैट कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड. तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कंपाउंड है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंपाउंड. क्योंकि टू डिफरेंट जो एलिमेंट्स है वो इजीली सेपरेट नहीं हो सकते उसमें. तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर वन, कंपाउंड. द नेक्स्ट वन इज, इन अ कंपाउंड टू और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ, क्या बनाएंगे? यस, मॉलिक्यूल. जब टू एटम्स या टू से ज्यादा एटम्स जो है टुगेदर करेंगे तो क्या बनाएंगे? वो मॉलिक्यूल. नंबर नेक्स्ट इज, दीज डायग्राम्स रिप्रेजेंट सम एलिमेंट्स मिक्सचर्स कंपाउंड्स. ये जो आप डायग्राम्स देख रहे हैं इनमें से कुछ हमारे एलिमेंट्स है, कुछ मिक्सचर्स है, कुछ कंपाउंड्स है. तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखते हैं क्या पूछते हैं. व्हिच डायग्राम्स शोज एन एलिमेंट, इसमें इनमें से जो है वो एलिमेंट कौन सा है, अ प्योर कंपाउंड कौन सा है, अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा है. तो नंबर फर्स्ट, एन एलिमेंट. एलिमेंट देखते हैं, हमने एलिमेंट क्या पढ़ा? अ केमिकल सब्सटेंसेस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम. क्या कंटेन करता है? ओनली वन काइंड ऑफ एटम. तो हम इनमें से देखें, वन काइंड ऑफ एटम जो है किसमें से है, वो पिक्चर जो है क्या दिखा रही है? नंबर सी आप देख रहे हैं, जो है वन काइंड ऑफ एटम है वो सेपरेटेड है सब. तो हम क्या लिख कर करेंगे इसमें? नंबर सी. नंबर सेकेंड इज अ प्योर कंपाउंड. अ प्योर कंपाउंड. तो कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा? कंपाउंड में जो हमने पढ़ा, टू डिफरेंट एलिमेंट्स वो सेपरेट इजीली नहीं हो सकते. तो इनमें आप देख रहे हैं टू डिफरेंट एलिमेंट्स इनमें सेपरेट हुए हैं, इनमें जो है सेपरेट नहीं है. इनमें भी सेपरेट है, ये भी है सेपरेट है. तो नंबर डी, नंबर डी ऑप्शन इज अ करेक्ट. अ प्योर कंपाउंड के लिए नंबर डी, अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट. तो आपने एलिमेंट पढ़ा, ओनली वन काइंड ऑफ एटम. नंबर ए, नंबर ए जो है हमारा है अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स. नेक्स्ट, व्हिच डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन. इनमें से कौन सी डायग्राम्स है जो इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन है बिटवीन टू एलिमेंट्स. तो ये आप देख रहे हैं नंबर बी इनकम्प्लीट है हमारी जो है केमिकल रिएक्शन इनका. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी. एक्सप्लेन योर आंसर. तो एटम्स हैव नॉट कंबाइंड कंप्लीटली. यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एटम्स हैव नॉट कंबाइंड कंप्लीटली. तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं आप नेक्स्ट पेज की तरफ. पेज नंबर 38.
38 पे क्वेश्चन क्या है, राइट द केमिकल फार्मूलाज ऑफ दीज कंपाउंड्स, जो ये कंपाउंड हमें मिले हुए हैं इनके हम केमिकल फार्मूलाज लिखने हैं। द फर्स्ट वन इज अ डेन फॉर यू, जो वाटर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट वन इज अ डेन, वाटर का जो फार्मूला है H2O, यहाँ पे आप इनका देख रहे हैं। नंबर सेकेंड हम लिखे पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसका फार्मूला जो है वो क्या है। नंबर वन कंपाउंड किसका है, हाइड्रोजन का एंड क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। नंबर थर्ड इज अ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का जो है फार्मूला कौन सा है, मैग्नीशियम आप देख रहे हैं उसका वन कंपाउंड है मालिक्यूल जो है, और उसके जो क्लोराइड जो है उसके है टू कंपाउंड्स, तो हम इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड के आगे हमने टू दिया, इसका फार्मूला हमने लिख लिया। नंबर फोर्थ इज अमोनिया, अमोनिया का है जो फार्मूला कौन सा है एन, और ये यहाँ पे आप थ्री हाइड्रोजन देख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, एन एच थ्री, थ्री हमारे क्या है हाइड्रोजन, तो उसका फार्मूला क्या हुआ एन एच थ्री। नंबर फाइव इज अ मीथेन, मीथेन का फार्मूला क्या है, उनमें मीथेन में जो है एक जो है कंपाउंड वे है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, और फोर जो है वो है हाइड्रोजन, तो क्या हम लिखेंगे मीथेन का फार्मूला, सी एच फोर, सी एच फोर इज द फार्मूला ऑफ द मीथेन। नंबर नेक्स्ट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो ईजिली आपको पढ़ा हुआ है सी ओ टू, सी ओ टू। तो डियर स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है आपका यहाँ तक के, हमने आज वर्कबुक के कुछ पेजेस को रिवाइज किया है, फिजिकल क्लासेस में आपको ये पढ़ा हुआ है लिखा हुआ है, तो इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करना, मैं कहीं से भी एग्जाम्स में आपको दे सकती हूँ वर्कबुक के पेजेस भी एंड टेक्स्ट बुक के भी, जो आपको सिलेबस में चैप्टर्स दिए गए हैं उनके वर्कबुक और जो है टेक्स्ट बुक उनको आप ठीक तरह से पढ़ लेना घर में, मैं आपको एग्जाम्स में कहीं से भी दे सकती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप फिल करके याद करके मुझे व्हाट्सएप पे जो है होमवर्क भेजना है, ये दिखाना है ये पेजेस। ओके डियर स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।